दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीचि का नमस्कार। आज एक अलग तरह की कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, जो ऐसी सभी कविताओं से हटकर है जैसी हम अक्सर पढ़ते या सुनते रहते हैं। वो यूं कि एक बिल्कुल नया झकाझक साफ सुथरा तौलिया शोरूम से निकला, बड़ी शान से, लेकिन बाथरूम में नहीं पहुंचा, बल्कि वो यक बयक ऐसी हालत में देखा गया कि पानी पानी हो गया। ऐसा लगा मानो खुद को ढकने के लिए कोई तौलिया ढूंढ रहा हो। दरअसल हुआ ये था कि अचानक टीवी के बीसियों कैमरों की चुंधियाती रोशनियां उस पर पड़ रही थीं और उसे किसी खतरनाक अपराधी घोटालेबाज की पहचान छिपाने के लिए अदालत में ले जाया जा रहा था। ऐसे में बेचारे तौलिये ने क्या बयान दिया, सुनिए इस छोटी सी कविता में। इसका शीर्षक है तौलिया बोला। तौलिया बोला, सभी के काम आता हूं, ढांपता हूं, पोंछता हूं, मैं सुखाता हूं। तौलिया बोला, सभी के काम आता हूं, ढांपता हूं, पोंछता हूं, मैं सुखाता हूं, और सोचने का काम तो इंसान करता है, सोचना उसका मुझे हैरान करता है। सोचने का काम तो इंसान करता है, सोचना उसका मुझे हैरान करता है। इतनी हलचल हड़बड़ाहट किस लिए आखिर, और कैमरों की चौंधियाहट किस लिए आखिर। मैं भी हूं पतलून कोई, कोट शर्ट कमीज, देखिए कुछ सोचिए मैं तौलिया नाचीज। मैं भी हूं पतलून कोई, कोट शर्ट कमीज, देखिए कुछ सोचिए मैं तौलिया नाचीज। यूं अदालत में न लेकर जाइए मुझको, कम से कम कुछ काम तो बतलाइए मुझको। यूं अदालत में न लेकर जाइए मुझको, कम से कम कुछ काम तो बतलाइए मुझको। कौन सा मुझको करिश्मा कर दिखाना है, फैसला कीजिए मुझे किस काम आना है। कौन सा मुझको करिश्मा कर दिखाना है, फैसला कीजिए मुझे किस काम आना है। वैसे ढांप कर चेहरे कभी थकता नहीं हूं मैं, ढांप कर चेहरे कभी थकता नहीं हूं मैं, कारनामे पूंछ पर सकता नहीं हूं मैं, कारनामे पूंछ पर सकता नहीं हूं मैं। धन्यवाद।